राजस्थान में चुनावी माहौल है और ऐसे में जयपुर की जोटवाड़ा विधानसभा में बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। यहां से कांग्रेस के पूर्व कृषि मंत्री लालचंद कटारिया इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ आशू सिंह सूरपुरा, जिनको उम्मीद थी कि भाजपा से टिकट मिलेगा लेकिन उनको टिकट नहीं मिला, तो अब जनता के प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच में हमारे साथ खुद आशू सिंह सूरपुरा है। आशू जी, उम्मीद थी आपको कि भाजपा से टिकट मिलेगा? पूरी उम्मीद क्या, जनता को भी उम्मीद थी और जन भावना का ख्याल नहीं रखा गया और गलती की है, और मुझे लगता है कि जनता 3 तारीख को बताएगी रिजल्ट आने पे कि जनता का फैसला क्या था, जनता क्या चाहती थी। क्या कारण मानते हैं कि आपके टिकट काटी गई यहाँ से? कारण तो बालाकमान का फैसला है, कोई क्या विचार आया उनको समझ में नहीं आया, लेकिन जो भी हो जितनी भी टिकट गई है उनमें से बहुत सी ऐसी टिकट है जो गलत काटी गई है। आशू जी चारों तरफ कह रहे हैं कि इस बार आशू सिंह सूरपुरा को लेकर आएंगे, लेकिन आप क्या मानते हैं कि पिछले कई सालों से लगातार आप फील्ड में भी हैं, क्या कुछ मुद्दे मानते हैं जिनकी वजह से आपको जनता चुनती है? क्या कुछ मुद्दे मानते हैं जिनकी वजह से आपको जनता को चुनना चाहिए? देखिए, मुद्दे तो ये है कि जनता के बीच में जो भी नेता जीत के गया है, यार अभी 2 नेता सामने हैं, बीजेपी से राज्यवर्धन जी को 10 साल पहले जनता ने दिए हैं और जनता के बीच में वो कभी रहे ही नहीं। आप देखिए 15 दिन पहले वो टिकट लेके आए हैं, 10 साल में कभी 10-10 काम भी कहीं किए नहीं होंगे, एक एक विधानसभा के अगर देखा जाए तो। बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ घोषणाएं हो गई पूरी नहीं की, जनता को कभी मिले नहीं, फोन कभी उठाया नहीं, और आज वो वापस 5 साल जनता से मांगने आए, तो जनता को पता लग गया, जनता समझ चुकी है कि अब हम बार बार नहीं ठगे जाएंगे। और कल जो प्रत्याशी आए हैं कांग्रेस से, आप देखिए वो न तो यहाँ के रहने वाले हैं, कभी मेरे हिसाब से उनको पंचायतों के नाम भी याद नहीं होंगे। अगर उनको एक साथ कहेगी 41 पंचायत कौन सी आप नाम बता दो, हो सकता है 2-3 दिन में तो वो रट लेंगे, लेकिन आज अगर आप इंटरव्यू लेने जाओ तो उनको पंचायतों के नाम भी नहीं रहेंगे। दूसरी बात, एक प्रत्याशी 15 दिन पहले आ रहा है, दूसरा प्रत्याशी 15 घंटे पहले आया है, तो जनता कोई हर चीज को समझ रही है। अब तुलना जनता ये कर रही है कि 15 घंटे वाला चाहिए, 15 दिन वाला चाहिए या 15 साल वाला चाहिए, वो जनता खुद तय कर रही है। आप देख रहे हैं किस प्रकार से हुजूम किलोमीटरों से चला हुआ आ रहा है। आज हम विधायिका में हैं जो बिल्कुल शहर में माना जाता है, शहर की ये हालत है कि इतनी बदतर हालत हो रखी है। आज यहाँ हाईटेंशन लाइन का इतना बड़ा मुद्दा है, सीवरेज का है, नियमन कॉलोनियों के नियमन हो गए, काम नहीं हो पा रहे, बहुत सी कॉलोनियों का नियमन नहीं हो पा रहा है, तो बहुत ऐसी समस्याएं हैं जिनसे जनता जूझ रही है। नालियां नहीं है, सड़कें नहीं है, पानी नहीं है, पानी की बहुत बड़ी समस्या है, तो उसे बहुत से कारण है। सैटेलाइट हॉस्पिटल नहीं है, आज तक देखिए आप कितने नेता आ गए, एक सरकारी कॉलेज बच्चे बच्चियों के पढ़ने के लिए झोटवाड़ा में नहीं है, ये बड़ी विडंबना की बात है। तो मैं तो इन सब मुद्दों को लेकर काम करूंगा और जनता को विश्वास है कि ये हमारा सेवक हमारे बीच में रहकर काम करेगा। जनता को 15 दिन वाले पैराशूट नहीं चाहिए। आपसे पहले आप देखिए वो कृष्णा पूनिया जी यहाँ चुनाव लड़ने आए थे, आज तक वो एक बार भी शायद कभी वापस लौट के नहीं आए, अब ये दूसरे प्रत्याशी आए हैं, तो ये तो आप मान के चलिए जनता भारी प्रत्याशी जो आ रहे हैं जिन्होंने कभी झोटवाड़ा का नाम ही नहीं जाना, दोनों की जमानत जब्त होनी है दोनों पार्टियों की। सरकार जो काम करती है पेंशन योजना, वो उसकी जगह आपकी जो योजना है वो बड़ी फेमस है, सूरपुरा पेंशन योजना, ये कैसे लेकर आए, क्यों मन में आया? ये वो बेसहारा परिवार है जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, जो बेसहारा विधवा माता बहन है, बेसहारा बुजुर्ग हैं, बेसहारा विकलांग हैं, उन सब के लिए ये पेंशन योजना चालू की गई है, और ऐसे अनाथ बच्चे हैं जिनका कोई सहारा नहीं, उन सब के लिए ये पेंशन योजना शुरू की गई है। और इसका चुनावी कोई मुद्दा नहीं है, चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, मैं चुनाव जीतूं हारूं बनूं न बनूं ये योजना निरंतर चलती रहेगी, ये जन सेवा के लिए, उन गरीब बेसहारा परिवारों के लिए है जिनको सहारे की जरूरत है, जो सरकार की तरफ नेताओं की तरफ मुंह ताकते हैं लेकिन कोई उनको कोई सहायता नहीं मिल पाई है, उनको सहारा देने के लिए योजना। अच्छा, लोग ये भी पूछ रहे हैं कि आशू सिंह सूरपुरा यहाँ से जीत जाते हैं तो किसके साथ जाएंगे, भाजपा के साथ? जब मैं जनता का प्रत्याशी हूँ, जो जनता तय करेगी वही मंजूर है मेरे को, मेरा कोई निर्णय अब मेरा नहीं रहा, मैं पार्टी का प्रत्याशी नहीं हूँ कि मेरा निर्णय होगा या पार्टी, ये तो जनता का निर्णय। पार्टी से किसी से बातचीत हुई है आपकी, पार्टी में किसी से बातचीत हुई है भाजपा में, भाजपा के किसी तो सभी कर रहे हैं, कोई भी नहीं चाहता है कि मैं चुनाव लड़ूं, क्योंकि
आप मान के चलो दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों की जमानत जब्त होनी तय है, पार्टियों के 30,000 वोट हर पार्टी के होते हैं, वो वोट उनको मिलेंगे, उसके अलावा व्यक्तिगत वोट किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है और हम भारी बहुमत से 1,00,000 मतों से जीत करके विधानसभा में जाएंगे। अच्छा, राजपाल सिंह शेखावत वो भी नाराज होकर उन्होंने भी निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ने की तैयारी कर दी है, उसका फायदा क्या आपको मिलेगा? देखिए अभी तो तय होगा, 2 दिन बाकी है, उनका क्या निर्णय होता है वो तो उनका व्यक्तिगत निर्णय है और जो भी निर्णय है वो सामने आ जाएगा 9 तारीख को, उसके बाद पता लगेगा। जनता इस बार चाहती है अहम मुद्दा जो सभी लोग कह रहे हैं, आम जनता भी कह रहे हैं कि कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने तो नहीं काम करवाया, ऐसे कौन से काम लगते हैं आपको जो मुद्दे लगते हैं अहम मुद्दे? एक दो नहीं, मुद्दा हाईटेंशन लाइन का मुद्दा था, बड़ा मुद्दा था, वो होना चाहिए था लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं हुआ मुझे नहीं पता। सैटेलाइट हॉस्पिटल का मुद्दा था, सरकारी कॉलेज का मुद्दा, ये 3-4 मुद्दे हैं तो बड़े बड़े मुद्दे हैं जिससे काफी लोग प्रभावित हैं। क्या चाहते हैं कि राजस्थान में किसकी सरकार बने जिससे कि विकास को प्रगति मिले? देखिए मैं तो ये कहूंगा कि हम लोग जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, हर कोई निर्दलीय ये चाहता है कि हमारे बलबूते पे सरकार बने, तो हम तो यही चाहेंगे कि हमारे सहारे से सरकार बने ताकि जनता के काम कर सकें और जनता को। और आप देख रहे हैं टिकट वितरण जिस प्रकार से हुआ है, आप देखिए दोनों पार्टियों ने टिकट वितरण इस तरीके से किया कि दोनों का बहुमत आना बिल्कुल संभव नहीं है। और अभी जो कांग्रेस से प्रत्याशी आए हैं, अब आप बताओ कांग्रेस को कहां जरूरत थी, यहां पहली बात करें कि जाट समाज के कद्दावर नेता यहां थे, वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, तो यहां अन्य जाट नेता बहुत है कांग्रेस में, उनको टिकट देना चाहिए था। अन्य समाज से नेता टिकट मांग रहे थे, मुकेश कुमार जी थे, हरीश यादव जी थे और भी अन्य नेता थे, हर्षा यादव जी थे, तो इन नेताओं को दरकिनार कर दिया। और आज आप देखिए उस प्रत्याशी को भेज दिया जो उसका कोई लेना देना ही नहीं है झोटवाड़ा का, पहले बात तो कभी देखा ही नहीं होगा, घुमा ही नहीं होगा। मैं ये मानता हूं कि दोनों पार्टियों की यहां से जो भी कैंडिडेट हैं दोनों की, मैं फिर कह रहा हूं आज आप नोट कर लेना, दोनों की जमानत जब्त होनी तय है। आपको पूरी उम्मीद है कि इस बार आशु सिंह सुरपुरा विधानसभा में जाएंगी? ये उम्मीद देखो पीछे चल रही है पूरी हजारों की तादाद में, और जिस प्रकार से 4-4 घंटे तक 10-10 किलोमीटर पैदल चल रहे थे, कल आपने देखा नामांकन रैली में दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों ने पर्चा भरा, 1 महीने पर्चा भरा, उसका अंतर आपको साफ दिखाई दे रहा होगा और बचा कुचा अंतर 3 तारीख को दिखाई दे जाएगा। तो ये थे हमारे साथ आशु सिंह सुरपुरा, रात के 9 बज चुके हैं, रात के 9 बजे इस तरीके का दृश्य आप देख रहे हैं, जनता के बीच में आशु सिंह सुरपुरा जा रहे हैं, इस बात का विश्वास जता रहे हैं कि जोटवाड़ा से इस बार निर्दलीय के रूप में जीत कर, जनता के प्रत्याशी के रूप में जीत कर विधानसभा में जाएंगे और जोटवाड़ा का विकास करवाएंगे। कैमरामैन देवेश के साथ सागर चौधरी, जयपुर, राजस्थान।